हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी शॉर्ट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपके फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किए थे उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे उसी फाइलम पॉरीफेरा के एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के बारे में डिटेल में। ये है स्काइफा। स्काइफा को हम साइकोन भी बोल सकते हैं और इसका कॉमन नेम है द सिंपल स्पंज। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, वास लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हो, इसमें ये वास लाइक स्ट्रक्चर है आपका। इसमें नीचे एक कॉमन बेस होता है, ठीक है, और ये अटैच होता है एक सबस्ट्रेटम से। ठीक है, कलर ये शेड्स ऑफ ग्रे या लाइट ब्राउन में प्रेजेंट होता है। इसकी हाइट होती है 20 to 25 mm और डायमीटर 56 mm का। इसकी बॉडी पे क्या होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ पॉलीगोनल एलिवेशन सेपरेटेड बाय ग्रूव्स। तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे पॉलीगोनल क्या है आपके एलिवेशन होते हैं। तो एलिवेशन कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे। तो ये आपका होता है एलिवेटेड एरिया और ये होता है आपका ग्रूव। ठीक है, तो इन एलिवेशन पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपके ग्रूव्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ओस्टिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एलिवेटेड जो एरिया है उस पे आपके होते हैं स्पिक्यूल्स और आपका जो ग्रूव एरिया है उस पे आपके प्रेजेंट होते हैं ओस्टिया। तो स्पिक्यूल्स क्या है, जो स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा जो इसकी। और ओस्टिया क्या है, माइन्यूट पोर्स हैं जो आपका वाटर को इन कराते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके डर्मल ओस्टिया हैं, ठीक है, और ये आपके बॉडी के स्पिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक और पर लार्ज पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्युलम। यहाँ पे है आपका ये ऑस्क्युलम प्रेजेंट। अब ऑस्क्युलम जो है गाइड होता है आपके मोनोएक्सोन स्पिक्यूल से, जिसको हम बोल देते हैं आपका ऑस्क्युलर फ्रिंज। ठीक है, तो द ऑस्क्युलम इज गाइडेड बाय अ फनल लाइक कॉलर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग निडल लाइक स्पिक्यूल्स कॉल्ड ऑस्क्युलर फ्रिंज। तो ऑस्क्युलर फ्रिंज की बात करें तो कैसा होता है वो, ऐसे देख सकते हो आप, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैनाल सिस्टम की बात करें, जो आपका स्काइफा है जिसको हम बोलते हैं साइकॉन भी। तो साइकॉन से नाम पता लग रहा है कि इसमें कैनाल सिस्टम कैसा होगा, आपका साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम क्या होता है आपका। पहले वाटर किसमें एंटर करता है, आपके ऑस्टिया से, ऑस्टिया से जाता है आपके इनकरंट कैनाल में, इन करंट केनाल से आपके जाता है किसमें, प्रोसोफाइल की ओपनिंग से एंटर करता है किसमें, आपकी रेडियल केनाल में। रेडियल केनाल से एंटर करता है एपोफाइल ओपनिंग से किसमें, आपकी एक्स करंट केनाल में। और एक्स करंट केनाल से आपके किसमें एंटर करता है, वो आपका गेस्ट्रल ऑस्ट्रिया से आपका स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से आपका ऑस्क्युलम के थ्रू आपका क्या हो जाता है, वो आउट हो जाता है। ऑस्क्युलम से आपका आउट, तो यहां से आपका इन हो रहा है वाटर और यहां से आपका आउट हो रहा है वाटर। तो ये है आपका साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो इलेबोरेटेड सिस्टम ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटीज इन स्पंज बॉडी, ठीक है, उसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो लार्ज सेंट्रल कैविटी को हम बोल देते हैं स्पॉन्जोसील, या फिर इसी स्पॉन्जोसील को ही हम बोलते हैं एट्रियम या फिर पैरागेस्टिक कैविटी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर टर्म आ जाता है पैरागेस्टिक कैविटी तो किसमें प्रेजेंट होती है, आपकी पॉरीफेरा में। ठीक है, स्पॉन्जोसील वर्ड आ जाता है तो भी पॉरीफेरा, एट्रियम आ जाता है तो भी मतलब पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है ये लाइन होती है पिनेकोसाइट्स में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्पॉन्जोसील कैविटी जो होती है या तो वो पिनेकोसाइट से लाइन होती है या आपके आपके कोइनोसाइट से भी लाइन हो सकती है। ठीक है, बट आपका ये साइकॉन टाइप है तो इसमें क्या होती है, स्पॉन्जोसील लाइन होती है आपकी
पिनेकोसाइट्स है, ठीक है। सेल सराउंडिंग ऑस्किलम कॉल्ड मायोसाइट्स। अब जो ये ऑस्किलम के आसपास जो सेल्स होते हैं उनको नाम दे देते हैं मायोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें देखो आपका क्या है, इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल से आपका बनता है इन करंट कैनाल। हमने वहां पे डिस्कस किया था ना, ये देखो आपका ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे इनवेजिनेट अंदर की तरफ जा रही है, तो ये क्या बना रहा है आपका इन करंट कैनाल, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी बॉडी ये वाली, मान लो ये बॉडी है, तो ये बॉडी ऐसे अंदर जा रही है, तो ये क्या बना रहे हैं आपका इन करंट के नाम, ठीक है। अब इवेजिनेशन ऑफ स्पॉन्जोसील, इवेजिनेशन ऑफ स्पॉन्जोसील, तो आपका ये स्पॉन्जोसील है, तो ये इवेजिनेट मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जाने से क्या बन रहा है आपका रेडियल के नाल, ठीक है। और इसी तरह से आपके स्पॉन्जोसील जो है यहाँ पे ये आपकी एक्स करंट के नाल भी बना रही है, किससे, इवेजिनेशन से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल से कौन सी केनाल बनती है, तो वो बनती है इन करंट केनाल। ओके, इवेजिनेशन ऑफ स्पॉन्जोसील से बनती है आपकी रेडियल केनाल और एक्स करंट केनाल, ठीक है। अब इन करंट केनाल किससे लाइन होती है बॉडी वॉल से, है तो पिनेकोसाइट से, और स्पॉन्जोसील जो रेडियल केनाल और एक्स करंट केनाल है वो आपकी, रेडियल केनाल तो आपकी किससे लाइन होती है गाइनोसाइट से, और आपकी एक्स करंट केनाल किससे लाइन होती है आपकी पिनेको साइड से, ठीक है। तो ये याद रहेगा, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो आपकी लार्जेस्ट कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं, स्पॉन्जोसील को एट्रियम या पैरागेस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। हमारी इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल से आपकी आती है इन करंट केनाल, जो कि लाइन होती है पिनेको साइड से, और आपकी इवेजिनेशन ऑफ स्पॉन्जोसील से, इवेजिनेशन मतलब बाहर की तरफ, इवेजिनेशन से आपकी बनती है एक तो रेडियल केनाल जो कि लाइन होती है क्वाइनो साइड से, और आपकी एक्स करंट केनाल जो कि लाइन होती है आपकी पिनेको साइड से। यही इसी इस डायग्राम में भी यही दिखाया, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसमें यही है कि आपका ये ऑस्टिया से पानी आया, पानी आने के बाद ये आपकी प्रोसोफाइल है, ये प्रोसोफाइल होता है ना, तो प्रोसोफाइल से ये आपका ये रेडियल केनाल है, तो रेडियल केनाल के थ्रू ये आपका एपोफाइल आ जाता है, एपोफाइल से ये आपकी एक्स करंट केनाल है, एक्स करंट केनाल से तो ये आप बोल देते हैं गैस्ट्रल ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ से आपका ये है आपकी स्पॉन्जोसीलिया पैरागेस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखे हैं तो आपका फ्लो कैसा रहेगा, ये आपका इधर से ऑस्टिया से आपके इन करंट केनाल में, प्रोसोफाइल के थ्रू आपका रेडियल केनाल में गया, फिर एपोफाइल के थ्रू फिर आपका एक्स करंट केनाल, फिर स्पॉन्जोसील, और फिर आपका पानी गया बाहर, ऑस्किलम से बाहर हो गया, ठीक है। क्लियर है केनाल सिस्टम? अब यहाँ पे भी देखो ये आपके हैं ओपोर, ये आपका डर्मल ऑस्टिया है, ये दिखाया हुआ, ये आपकी क्या हो जाती है आपकी इन करंट कैनाल। अब देखो इन करंट कैनाल किससे लाइन थी, ये पिनेको साइड से, तो ये आपके क्या है पिनेको साइड से, ठीक है। अगर हम बात करें फिर आपका ये प्रोसोफाइल से के थ्रू आ गया आपका किसमें, ये आपकी रेडियल कैनाल। अब रेडियल केनाल में देखो ये साइड्स कौन से हैं, ये सेल्स कौन से हैं, क्वेनोसाइट्स, ठीक है, ये आपके आ गए क्वेनोसाइट्स, तो रेडियल केनाल किससे लाइन है आपके क्वेनोसाइट से, फिर पानी यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये आ गया आपका एपोपाइल, तो ये एपोपाइल ये ओपनिंग को, फिर आती है आपकी एक्स करंट केनाल। अब एक्स करंट केनाल देखो वो भी किससे लाइन है आपकी पिनेको साइट से, ठीक है, फिर आपका गैस्ट्रल ऑस्टियम के थ्रू आपका किसमें आ गया आपका स्पॉन्जोसील कैविटी में, स्पॉन्जोसील से फाइनली क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा आपका ऑस्किलम से, ठीक है। अब आते हैं इसकी हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी को देखें तो ये दो लेयर का बना होता है, फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं डर्मल लेयर या पिनेकोडर्म, ठीक है। तो पिनेको मतलब इसमें कौन से सेल्स होंगे आपके पिनेको साइट्स, ठीक है। और सेकंड आपके लिए है क्वेनोडर्म, जो कि बनी होती है आपके किसके क्वेनो साइट्स की, ठीक है। पिनेकोसाइट्स या पिनेकोडर्म की बात करें तो ये आपकी आउटर लेयर है, ये किस में होती है आपकी, किससे वो होती है लाइन होती है इन करंट और एक्स करंट कैनाल में, लाइन होती है पिनेकोसाइट से, और स्पॉन्जोसील में भी। पिनेकोसाइट्स की बात करें तो ये लार्ज है, ये देख सकते हो लार्ज सेल्स होते हैं, ये फ्लैटेंड फ्लैट है, पॉलीगोनल शेप होते हैं और क्लोजली फिटेड, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। पिनेकोसाइट दो टाइप मायोसाइट्स होते हैं जो कि आपकी सराउंड कर रहे हैं ओपनिंग को, ठीक है। एक स्क्लेरोब्लास्ट टाइप होते हैं जो आपके क्या करते हैं, आपके स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। और ये क्या होते हैं, ये होते ओरिजिनली क्या है पिनेकोसाइट्स, लेकिन ये क्या हो जाते हैं माइग्रेट होता है, हो जाते हैं मीजोहाइल में। मीजोहाइल क्या है, मीजोहाइल है इन दोनों लेयर्स के बीच में जो आपका मैट्रिक्स है
उसको बोलते हैं हम मीजो हाइलिया मीजेनकाइम। ठीक है, अगर हम फंक्शन ऑफ पिनाकोसाइट्स के फंक्शंस की बात करें तो उसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन देना कि उस क्लीरोब्लास्ट से स्पिक्यूल्स बन रहे हैं आपके, स्पिक्यूल क्या करेंगे प्रोटेक्शन देंगे, फिर आपके मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और आपकी क्या करेगा एंट्री को चेक करेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर ना करे। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसकी दो लेयर्स होती हैं और दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसको हम बोल देते हैं मीजो हाई। नेक्स्ट है आपकी क्वेनोसाइटिक लेयर या क्वेनोडर्म, ये आपकी इनर सरफेस है, मतलब इनर लेयर है ये आपकी। ठीक है, और ये आपकी रेडियल कैनाल किससे लाइन होती है, इसी लेयर से क्वेनोसाइट सेल्स से लाइन होती है। तो क्वेनोसाइट्स को अगर हम डिटेल में देखें तो ये है क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर, तो ये ओवल या राउंडेड शेप का होता है। ठीक है, इसमें वन या वन से ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल्स ये देख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये आपका आगे क्या है देखेंगे हम इसके आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये इसमें प्रेजेंट होता है वाइब्रेटाइल फ्लैजेलम, तो ये आप देख सकते हो इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेलम। ठीक है, फ्लैजेलम किससे ओरिजिनेट होता है, फ्लैजेलम ओरिजिनेट होता है सेंट्रोब्ली फेरो प्लास से। ठीक है, ये बना होता है आपके सेंट्रियोल प्लस ब्ली फेरो प्लास्ट से। ठीक है, ये सेंट्रो ब्लीफेरोप्लास्ट किससे है, ये बेसल पैरा बेसल बॉडी से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, राइजोप्लास्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, तो इस फ्लैजिलम के आसपास क्या है, कॉलर एरिया बनता है, वो कॉलर एरिया किसका बना होता है आपके माइक्रोविलाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेनोसाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है क्वेनोसाइट का, इसका है ये आप मेन है सेटअप वाटर करंट, कैसे, ड्यू टू फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या करेगा, आपकी मूवमेंट करेगा, मूवमेंट से क्या होगा आपका वाटर करंट जनरेट होगा, आपका वाटर करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मेन काम है ये वाटर करंट जनरेट, फिर आपका इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे डाइजेशन में वो हेल्प करता है, तो ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके क्या करेंगे लाइजोजाइम से आपके फ्यूज करेंगे और आपका फूड का डाइजेशन करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, ये गैमेट्स भी बनाता है आपका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनाने की कैपेसिटी रखता है ये। ऑल्सो ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मीजोहाइल की सिक्रीशन कराता है। तो अगर बात करें तो मीजोहाइल की सिक्रीशन कौन कराता है आपका, क्वेनोसाइट्स। तो क्वेनोसाइट्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉरीफेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा पॉरीफेरा से तो या तो वो उसके कैनाल सिस्टम से आएगा या फिर आपके क्वेनोसाइट से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मीजोहाइल की बात करें तो मीजोहाइल क्या थी आपकी, क्लियर रहती है ये लेयर, आपकी नॉन लिविंग होती है, और किसकी बनी होती है, जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है ये। ठीक है, ये सिक्रीट कौन करता है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि क्वेनोसाइट जो है वो सिक्रीट करते हैं मीजोहाइल को। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूमरस कॉलेजन फाइबर्स स्पिक्यूल्स फ्री सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपकी फ्री सेल्स की बात करें तो टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें पहला कौन सा है, स्क्लीरोप्लास्ट। स्क्लीरोप्लास्ट हमने पीछे देखा किससे होता है, ये आपका आता है किसका बना होता है, पिनेकोसाइट्स का। ठीक है, पिनेकोसाइट्स, और फ्री माइग्रेट किस में करता है आपकी, माइग्रेटेड फ्रॉम डर्मल लेयर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब स्काइफा में क्या होता है, कैल्कोब्लास्ट है ये, तो आपका कैल्केरियस नेचर होता है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये। ठीक है, अब दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, तो मतलब ये मूवमेंट दिखाते हैं, अमीबॉइड सेल्स होते हैं ये। ठीक है, ये इनके अंदर क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। ठीक है, तो वैसे जैसे अमीबा होता है वैसे ही उसी से नाम दे दिया है इसको, अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, ये फ्रीली मूव करते हैं आपके। ठीक है, तो ये आगे फर्दर कुछ टाइप्स के होते हैं, तो पहले होते हैं कॉलनसाइट्स, इनको बोल देते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन कराते हैं। कनेक्ट, तो ये कॉलेजन फाइबर की फॉर्मेशन कराते हैं, कॉलेजन फाइबर की फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आप क्रोमोसाइट्स की, क्रोमोसाइट्स मतलब इनको बोल देते हैं हम पिगमेंट सेल्स, तो ये क्या होते हैं, इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट
ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, फिर आता है आपका टर्म थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स को बोल देते हैं हम स्टोरेज सेल्स, क्यों? क्योंकि ये फूड को स्टोर करते हैं, फूड स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, फिर एक होता है आपका ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है आपका? नरिशिंग सेल, ये आपका नरिशिंग सेल, क्यों? क्योंकि ये आपका पार्शियली डाइजेशन करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को, डिस्ट्रीब्यूट फूड। ठीक है, फिर आते हैं आपके आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या करते हैं आपके? ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गैमेट्स आपके आर्कियोसाइट से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और पीछे हमने सुन देखा था क्या, क्वाइनोसाइट से भी आपके क्या हो सकते हैं? गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्कियोसाइट जो होते हैं गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके टोटिपोटेंट होते हैं, टोटिपोटेंट इन नेचर। फिर आते हैं आपके फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? ये इनगल्फ करते हैं फॉरन पार्टिकल्स को, या आपका कोई वेस्ट है तो उसको। ठीक है, फिर आपके होते हैं ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स का काम क्या होता है आपके? ये सिक्रीट स्टिकी मटेरियल, जो कि ये क्या करता है, हेल्प फॉर अटैचमेंट। हेल्प फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, और आपके डेस्मोसाइट्स के बारे में इतने ज्यादा नॉलेज नोन नहीं है, पर ये आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर दोबारा रिवाइज करें तो मीजोहाइल में आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट, जो कि आपके कहाँ से आते हैं, डर्मल लेयर से आते हैं। ठीक है, पिनेकोसाइट्स का एक टाइप है, ये क्या करते हैं, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, स्काइफा में कैसे होते हैं, कैल्कोब्लास्ट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने बने होते हैं। ठीक है, फिर आपके अमीबोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर सूडोपोडिया होता है, ये मूव फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये आपके कॉलनसाइट्स के होते हैं, कॉलनसाइट जो कोलेजन फाइबर सिक्रीट करते हैं, क्रोमोसाइट जो पिगमेंट ग्रेन्यूल सिक्रीट करते हैं, थीजोसाइट जो स्टोरेज सेल्स हैं, ट्रोफोसाइट जो आपके नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, आर्कियोसाइट जो आपके ग्लैंड सेल्स हैं, फेगोसाइट जो इनकल्फ करेंगे फॉरन पार्टिकल को या वेस्ट मटीरियल को, ग्लैंड सेल जो कि एक मटीरियल सिक्रीट करते हैं जिससे आपकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, और आपके डेस्मो साइट्स। तो अगर हम हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो ये आपका पिनेकोसाइट्स आपने देख लिया था, ये आपके पिनेकोसाइट्स। ठीक है, ये आपके हैं क्वाइनोसाइट्स। ठीक है, ये आपकी जो लेयर है ये बीच में बनी हुई है, ये सारी क्या है, ये है मीजोहाइल। ठीक है, तो ये मीजोग्लिया बोल लो, मीजोहाइल बोल लो। ठीक है, अब इसमें ये आपके स्क्लेरोब्लास्ट हैं, जो आप क्या करते हैं, आपके स्पिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये देखो, ये स्पिक्यूल बना रहा है अभी। ठीक है, अब स्पिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो है, एक होते हैं ओग्जियोट्स। ओग्जियोट्स होते हैं जो आपके बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके डर्मल कॉर्टेक्स की तरफ। ठीक है, ये ओग्जियोट्स होते हैं, ये थोड़े लॉन्ग होते हैं, और ये क्या है, आगे हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, मोनो एक्सोन टाइप के हैं ये। ठीक है, फिर आपके स्पिक्यूल्स होते हैं, ये देखो मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स, ये सिंगल एक ही रे होता है जिसमें। ठीक है, जो ये एक रे होता है ये मोनो एक्सोन हो गया, जिसमें तीन रे होगा वो क्या हो गया, ये वाला जैसे है ट्राई रेडिएटेड बोल देते हैं, और जिसमें चार होता है वो टेट्रा रेडिएटेड बोल देते हैं, जैसे कि ये वाला है टेट्रा रेडिएटेड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
तो स्केलेटन की जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपका ये क्या होता है, इसमें एंडोस्केलेटन होता है, मतलब इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। और किसका होता है, ये कैल्केरियस पिक्यूल्स होते हैं, ये कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पिक्यूल्स की बात करें तो मोनोएक्सॉन्स पिक्यूल्स हैं, ये कैसे हो गए आपके, रोडलाइट हो गए। ठीक है, ये लॉन्ग हैं जो कि गार्ड करते हैं ऑस्किलम को। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट होते हैं जो लाई पैरेलल टू रेडियल कैनाल, जो पेड ये ऐसे आपने देखे रेडियल कैनाल के पैरेलल रखे हैं, उनको हम बोल देते हैं शॉर्ट। मोनोएक्सॉन्स एक क्लब शेप्ड होते हैं जो कि टर्मल कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट्स ऑक्सियोट्स जो हमने देखे पीछे, वो ऑक्सियोट्स कैसे होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, लेकिन है किसका टाइप, मोनो एक्सॉन का ही। ठीक है, फिर आपके ट्राई रेडिएटेड प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होते हैं आपकी 3 रेस प्रेजेंट होती हैं, फिर टेट्रा रेडिएटेड जिसमें आपकी 4 रेस प्रेजेंट होती हैं, 4 रेस ये भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, फिर फंक्शंस की बात करें तो ये करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक डेफिनेट शेप देते हैं स्पंजेस को, फिर प्रोटेक्ट करते हैं स्पंज को कहाँ से, वेव के एक्शन से। ठीक है, कोलैप्स होने से बचाते हैं उनको, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, और आपका क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट से भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स की बात करें तो ये स्पिक्यूल्स किससे बनने होते हैं, स्क्लीरोसाइट्स या स्क्लीरोब्लास्ट से। ठीक है, तो स्क्लीरोसाइट्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ स्क्लीरोब्लास्ट, तो आपका स्क्लीरोब्लास्ट है वो आपका डिवाइड करता है, तो क्या बनाता है आपका स्क्लीरोसाइट। तो वन स्क्लीरोसाइट वन रे, मतलब एक एक स्क्लीरोसाइट जो है वो सिर्फ वन रे बनाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें तो मोनो एक्सोन की बात करें तो उसमें कितने स्पिक्यूल होंगे आपके, वन स्क्लीरोब्लास्ट से बना होगा, वो स्क्लीरोसाइट से बना होगा। ठीक है, अगर हम ट्राई की बात करें तो उसका मतलब वो 3 स्क्लीरोब्लास्ट से बना होगा, स्क्लीरोसाइट से। टेट्रा की बात करें तो मतलब 4 स्क्लीरोसाइट से बना होगा वो। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है स्पिक्यूल्स की, तो फॉर्मेशन कैसे, ये आप देखो, ये आपका बाइन्यूक्लियेटेड स्क्लीरोब्लास्ट है, जब स्क्लीरोब्लास्ट डिवाइड करता है तो ये बाइन्यूक्लियेटेड कंडीशन हम देख रहे हैं टेट्रा ट्राई रेडिएटेड का, ये आपका है ट्राई रेडिएटेड। अगर ट्राई रेडिएटेड की बात करें तो इसने 3 बनाने हैं, तो ये आपका 1 हो गया स्क्लीरोब्लास्ट, ये आपका 2, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो 3 रे बननी है ना इससे। तो फर्स्ट वाला स्क्लीरोब्लास्ट क्या है, वो पहले अपनी डिवीजन करेगा और वो आपके बाइन्यूक्लियेट कंडीशन में, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेम आपके दूसरे वाली रे के लिए और फिर तीसरे वाली रे के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये आपस में खींचेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंड होगा, ये बीच में आपकी जो एक्सियल फिलामेंट है ये आपका एक्सटेंड होगा, ऐसे ऐसे की तरफ एक्सटेंड होगा, तो ये आपका एक्सटेंड हो रहा है तो ये रे बना रहा है, रे बनाने की वजह से आप ये देखो एक सेल जो एक न्यूक्लियाई है वो आपका इधर की तरफ रह जाता है और दूसरा न्यूक्लियाई इधर की तरफ रह रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ, तो आप ये देखो ये एक न्यूक्लियाई इधर रह रहा है, ठीक है, ये आपका इधर रह रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो एक इधर रह रहा है दूसरी रे की, एक आपका इधर रह रहा है। ठीक है, थर्ड रे की बात करें तो एक आपका इधर रह रहा है और एक आपका इधर रह रहा है। तो आपके जो एक्सट्रीमिटीज पे सेल होते हैं उसको हम बोल देते हैं थिकनर सेल। ठीक है, थिकनर मतलब वो आपकी कैल्शियम क्लोराइड की कोटिंग करता है रे के ऊपर। ठीक है, और आपका जो सेंटर में रह जाता है उसको हम बोलते हैं फाउंडर सेल। ठीक है, फाउंडर मतलब इस सेल से वो बना है। तो ये देखो जब फाइनली ये बन जाता है तो आपके थिकनर सेल्स कहाँ हैं, आपके एक्सट्रीमिटीज पे प्रेजेंट हैं 3 रेज के, और आपके फाउंडर सेल्स जो हैं वो आपके सेंटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मोनोएक्सोन बनता है, मोनोएक्सोन में आपका एक ही रे है तो बाइन्यूक्लियेटेड कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ दोनों सेल दोनों तरफ जाएंगे, ये आ गया एक इधर एक इधर आगे तरफ आ गया, तो आपके थिकनर सेल हो गया, एक को हम बोल देते हैं फाउंडर सेल। ठीक है, ये आपका हो गया मोनो एक्सोन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर साइकॉन की फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें वाटर करंट जो है वो हेल्प करता है स्पंज को फीड करने में भी, एक्सक्रीशन में भी, और आपके रिप्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो जैसे ही पानी आएगा तो वो अपने साथ क्या लाएगा, फूड लाएगा। ठीक है, और क्या है, अगर आएगा तो रिप्रोडक्शन के टर्म्स में देखा जाए तो स्पर्म लाएगा, और एक्सक्रीशन मतलब जब वापस जाएगा आउट होगा वाटर, तो क्या लेके जाएगा अपने साथ, वेस्ट।
ठीक है, तो फर्स्ट हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो ये क्या होता है, होलोजोइक क्यूब आपका फूड आ रहा है बाहर से, ठीक है, माइक्रोफेज मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स पे ये फीड करता है, ठीक है, ये फीड करता है। प्लैंक्टोनिक हो सकते हैं, वो डायएटम्स हो सकते हैं, वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। इंजेशन अ फूड कैप्चर कैप्चर्ड एंड इंजेस्टेड बाय क्वेनोसाइट्स। तो क्वेनोसाइट्स क्या करेंगे, पहले अपना फूड कैप्चर करेंगे और उसको इंजेस्ट करेंगे अपने अंदर, किससे, आपकी फ्लैजिला से, ठीक है। फिर डाइजेशन क्या है, कोई डाइजेस्टिव कैविटी तो प्रेजेंट है नहीं इनमें, तो आपकी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है। तो आपकी क्या होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, किसके अंदर होती है, ये आपकी होती है क्वेनोसाइट्स के अंदर, ठीक है। आपका जो आपके मैंने बताया था कि लाइजोसोम्स जो है कंटेनिंग एंजाइम जो है वो फ्यूज करते हैं आपके फूड वैक्यूल्स के साथ, ठीक है, और वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल कराता है, ठीक है। स्टोरेज आपका थीजोसाइट सेल्स करते हैं, स्टोरेज किस फॉर्म में हो सकता है, आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकता है, फैट की फॉर्म में हो सकता है, ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है, और लिपो प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है। फिर इजेक्शन क्या है, क्वेनोसाइट से इजेक्शन कराते हैं, या फिर आपके अमीबोसाइट्स करा सकते हैं, और वो क्या करते हैं, आपकी कैनाल में आपका वेस्ट मटेरियल को थ्रो कर देते हैं और फिर वो वाटर के साथ आउट हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, आपका ईच सेल रिस्पायर्स फॉर इट सेल्फ, और आपका डिफ्यूजन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन में अमोनिया क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है, डिफ्यूजन इनटू वाटर फिलिंग कैविटी, ठीक है। तो डिफ्यूजन की वजह से आपका एक्सक्रीशन हो जाता है, सम वेस्ट टेकन बाय अमीबोसाइट्स, कुछ वेस्ट अमीबोसाइट्स ले लेते हैं, तो पास एंड एलिमिनेट विद आउटगोइंग वाटर, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, आपकी बडिंग हो जाती है बेस से, ठीक है। तो मतलब आपका ये, आप बात करेंगे आपका ऐसा बना हुआ था ना स्पंज, ठीक है, तो मान लो छोटी सी बड़ बन गई है, ये आपका बेस है, ये आपका सबस्ट्रेटम है, तो ये बड़ हो गया, ठीक है, ये आपका बाहर निकल के एक नया बॉडी बना लेगा, ठीक है, तो ये हो गई बडिंग। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये मोनोशियस होते हैं, मतलब हर्मेफ्रोडाइट, मतलब आपके मेल और फीमेल एक में ही बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंडीशन होती है प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होता है आपका, प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होता है, ओवा मैच्योर्स बिफोर स्पर्म। तो आपका जो फीमेल पार्ट है, मतलब आपका जो ओवा है, वो पहले मैच्योर करेगा, मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। तो इसको प्रोटो मतलब पहले और गाइनी मतलब फीमेल वाला पार्ट, तो आपका ओवा जो है वो पहले मैच्योर करता है, ठीक है। गैमेट्स अराइज फ्रॉम क्वाइनोसाइट्स। अब इस गैमेट्स किससे अराइज करते हैं, हमने पीछे देखा क्वाइनोसाइट से और अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट से, ठीक है। तो गैमेट्स इन तीनों में से किसी से भी राइज कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये आपके जो प्रोटोगाइनी कंडीशन है, इस वजह से क्या होता है कि आपका फीमेल जो है वो पहले बन गया है, पहले मैच्योर हो गया है, और आपका स्पर्म जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये आपस में जो है फ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्यूज किससे करेगा, ये आपके किसी और सेकेंड जो कोई और स्पर्म है, किसी और स्पंज का, ठीक है, वो आएगा और वो इसके साथ फ्यूज करेगा। तो मतलब ये वाली प्रोटोगाइनी कंडीशन क्या है, आपका प्रिवेंट कर रही है आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, ओके। तो आपका स्पर्म की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम सराउंडेड बाय कवर सेल्स पर, ये देखो कि आपका स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, जिस अब इस ये कवर किससे होता है, ये सराउंड होता है आपके कवर सेल से, ठीक है। कवर सेल और स्पर्मेटोगोनिया दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका स्पर्म नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड 2 to 3 times इनटू स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा, ऐसे 4 बन गए, तो आपके 4 क्या बन गए, 1 2 3 4, ये क्या बन गए आपके स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर इसकी मैच्योरेशन होगी तो आपका क्या है, ये आपका स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इन स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, फिर आपका मियोसिस होगा, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, आपका मैच्योरेशन होगा, और फिर आपका क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है।
अब अगर हम बात करें ओवा की, तो उगोनिया माइग्रेट टू रेडियल केनाल, तो आपका उगोनिया क्या है, माइग्रेट करेगा रेडियल केनाल में, जहां पे इसकी क्या होंगी, दो माइटोसिस डिवीजन होंगी टू फॉर्म फोर ओसाइट। ठीक है, तो आपका ये देखो उगोनियम है, उगोनिया है, ये आपका टू माइटोसिस डिवीजन दिखाएगा, मतलब आपके फोर ओसाइट्स बन गए। उसके बाद क्या होगा, वो आपका मीजेनकाइमा में माइग्रेट करेगा, ठीक है, फिर वो आपका ग्रो करेगा सेल्स में, फिर एक माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, और उसके बाद फाइनल क्या है आपका, ये ओवा जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ओवा के चारों तरफ क्या है, क्वेनोसाइट्स। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल जो आपकी होती है लाइफ साइकिल स्पंज की। ठीक है, तो ये देखो ये आपका स्पंज है, ठीक है, एडल्ट स्पंज रिलीज स्पर्म, स्पर्म रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये वाटर करंट के थ्रू क्या होगा, ये सेकंड स्पंज में जाएगा, ठीक है, और उसके क्या है, ओवा को फ्यूज करेगा, ठीक है, उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, फिर उसके मतलब ये में क्लीवेज होगी, ठीक है, फिर आपका फिर ब्लास्टुला स्टेज आएगी, फिर आपकी कैस्ट्रूला, फिर आपकी लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद क्या होगा, मैच्योर होगा और फिर वो सेटल हो जाएगा एज आपका न्यू स्पंज। अब फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और आपकी क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो गायनी कंडीशन की वजह से पीछे वो गलती से बोल दिया था कि वो इंटरनल, पर वो किसको प्रिवेंट कर रहा है, आपकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स बर्स्ट रिलीज स्पर्म, तो आपके स्पर्मेटोसाइट जो है वो बर्स्ट करके आपके स्पर्म को रिलीज कर देंगे, स्पर्म एंटर वाटर करंट एंड एग्जिट कैनाल, तो स्पर्म क्या करेगा, एंटर वाटर करंट, वाटर करंट में एंटर करेगा और आपके फर्स्ट स्पंज से जो है वो आउट हो जाएगा, फिर क्या करेगा, वो एंटर करेगा अनदर स्पंज में विद इनकमिंग केनाल, जिसके अंदर वाटर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्पर्म में क्या है, स्पंज में एंटर करेगा, फिर स्पर्म एंटर क्वाइनोसाइट, स्पर्म किस में एंटर करेगा, क्वाइनोसाइट्स में, जब वो एंटर करता है क्वाइनोसाइट्स में, तो उसको बोलते हैं सम ट्रांजिट सेल, क्यों, क्योंकि वो अपना फ्लैजिला वो लूज कर देता है, कॉलर सेल्स लूज कर देता है और अमीबॉइड शेप का हो जाता है, और फिर माइग्रेट करेगा किसमें, मीजोहाइल में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ओवा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये छोटी आपका स्पर्म है, स्पर्म एंटर किया, स्पर्म एंटर करने के बाद किसमें गया है आपका, क्वेनोसाइट में, क्वेनोसाइट ने क्या किया है आपका, लूज कर दिया फ्लैजिला, ठीक है, कॉलर सेल्स, और क्या हो गया, बिकम अमीबॉइड। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, माइग्रेट करता है यहाँ पे मीजो फाइल में, और फिर क्या करता है आपकी, ओवा के पास जाता है और क्या कराता है आपकी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म ट्रांजिट सेल अडहेयर टू ओवा, ये देखो ये आपका है ओवा और ये आपका है स्पर्म ट्रांजिट सेल क्वाइनोसाइट, मतलब ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, ये है आपका स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है, तो ये ओवा में एंट्री लेगा और उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो फाइनली क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट इनक्लोज इन अ ब्रूड चैम्बर, तो जाइगोट किस में इनक्लोज होता है, ब्रूड चैम्बर में। ठीक है, फिर अब लास्ट इसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में आपका जाइगोट बन गया, उसके बाद आएगी टू सेल स्टेज, फिर फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, ये सारी क्या है आपकी, क्लीवेज है। ठीक है, उसके बाद इसमें 16 सेल स्टेज में क्या होता है, एक होते हैं बड़े वाले, उनको बोल देते हैं मैक्रोमर्स, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स जो बनते हैं, छोटे वाले ब्लास्टोमियर्स को हम बोल देते हैं माइक्रोमियर्स। ठीक है, तो ये फिर ग्रो करेंगे, फिर आपके माइक्रोमियर्स जो हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं और आपके मैक्रोमियर जो है वो स्टॉप कर देते हैं अपने क्या, डिवीजन को। ठीक है, तो माइक्रोमियर्स क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, माइक्रोमियर्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो इन शॉर्ट माइक्रोमियर्स किसके बने हुए, आपके क्वेनोसाइट लेयर का। ठीक है, और आपका मैक्रोमियर्स किसके हुए,
पिनेकोसाइट्स के। ठीक है, फिर आपका एक आता है टर्म इसमें स्टोमोब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आउटर आपका क्या है ये फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स, ठीक है, अंदर ये नीचे क्या है आपके ग्रेनुलर मैक्रोमियर्स, ठीक है, और इसमें क्या है फ्लैजिला क्या है आपका इनसाइड है। ठीक है, फिर एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं आफ्टर इन्वर्जन। फिर इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन की वजह से क्या होता है आपका जो फ्लैजिल है वो आपकी बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इस स्टेज के बाद आपका ये, तो ये बनाता है आपका एम्फी ब्लास्टुला। एम्फी ब्लास्टुला क्या था, ये लार्वा है इसका पॉरीफेरा का। ठीक है, तो इसको हाफ फ्लैजिलेटेड बोलते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसमें हाफ फ्लैजिलेटेड क्या है माइक्रोमियर्स है और हाफ क्या है ग्रेनुलर मैक्रोमियर्स है। जब ये इन्वर्जन के बाद दिखते हैं तो आपका जो यहाँ पे आपके मैक्रोमियर्स की जो डिवीजन थी वो स्टॉप हो गई थी, फिर वो इन्वर्जन के बाद क्या है मैक्रोमियर्स की डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जितने आपके माइक्रोमियर्स है उतने आपके क्या है मैक्रोमियर्स है, और ये लार्वा बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्फी ब्लास्टुला लार्वा। ठीक है, इसमें हाफ जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, हाफ जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए टर्म आती है एम्फी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें होता है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब आपका जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स हैं वो आपके अंदर की तरफ इनवेजिनेट करेंगे, मतलब ये आपके मैक्रोमियर्स थे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ बीच में अंदर क्या आ जाएंगे आपके क्वाइनोसाइट्स। ठीक है, ये देखो तो ये ऊपर आपके क्या रह गए माइक्रोमियर्स, और आपके अंदर क्या चले गए, अंदर की क्या चले गए फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स। ठीक है, तो इसलिए आपकी आउटर कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी होती है, पिनाकोडर्म बोलते हैं, तो वो पिनाकोसाइट्स की बनी होती है। इसलिए अब अंदर चले गए तो इनर लेयर किसकी बनी होगी आपके क्वाइनोसाइट्स की। ठीक है, फाइनली क्या होता है, ये मैच्योर जो है मैच्योर स्पंज जो है जाएगा और आपका फिक्स हो जाएगा और आपका न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह अपनी लाइफ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर साइकॉन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।